बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपको आपके ही चैनल पे वेलकम करते हैं एक नई रेसिपी और बहुत सी दुआओं के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों, हैप्पी हों, हेल्दी हों, सेफ हों, लाइफ एंजॉय कर रहे हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सरसों की भुजिया की रेसिपी शेयर करूँगी। विंटर सीजन की स्पेशल डिश है। सरसों का साग तो हर दूसरे घर में ही बनता है, लेकिन सरसों की भुजिया बहुत कम लोग बनाते हैं। बहुत ईजी मेथड है, ईजी रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और बहुत मज़ेदार होती है। इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बरवक्त मिलता रहे। कमेंट्स कीजिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास 1.5 kg सरसों का साग है, लेकिन इसमें से मोटे मोटे जो डंठल होते हैं, मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं, वो हमने अलग कर दी हैं, सिर्फ हमने पत्ते पत्ते लिए हैं। तो ये तकरीबन 1 kg होगा। अभी हमने सिर्फ इसके पत्ते अलग किए हैं। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह खुले पानी से 2-3 दफ़ा वॉश करेंगे। तमाम हरी सब्जियों को खुले पानी से 2-3 दफ़ा धो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मट्टी बहुत होती है। ज़रा सी भी अगर मट्टी रह जाए तो पूरी हांडी ख़राब हो जाती है और उसमें किरकिर हो जाती है। तो हम इसे बहुत अच्छी तरह धो के कटिंग कर लेते हैं इसकी। तुमको अच्छी तरह वॉश कर ली थी हमने, 2-3 दफ़ा हमने साबुत पत्ते ही इसके वॉश किए थे और उसके बाद हमने कटिंग कर ली इसे। देखें, बारीक बारीक कटिंग होगी इस तरह। आप चाहें तो कटिंग करने के बाद भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि हमने साबुत पत्ते ही इसके पहले वॉश किए थे 2-3 दफ़ा अच्छी तरह, ताकि इसकी तमाम तर मट्टी निकल जाए और उसके बाद इसकी बारीक बारीक कटिंग कर लिए। अब इसे हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसी को कवर करके पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। ये अपने ही पानी में गल जाएगी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। सरसों हमारी अच्छे से उबल गई है। अब हम इसे किसी चलने में स्कैन करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हम ऐसे ही इसको स्कैनर में छोड़ देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। इससे ये होगा कि जो सरसों में हल्का सा खारापन या कसीलापन होता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। जब इसका पानी बिल्कुल निकल जाएगा तो उसके बाद हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। सरसों हमारी अच्छी से निथर गई है, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब हम इसकी भुनाई शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, ये मस्टर्ड ऑयल है। इससे सरसों की भुजिया की खुशबू और जायका दोनों बहुत मज़े का हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप किसी भी कुकिंग ऑयल में ये भुजिया बना सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को गरम ज़्यादा करना होता है। ऑयल हमारा 3 tablespoons है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें से धुआं उठ रहा है, यही इसकी निशानी है कि ऑयल गरम हो गया है। कुटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे, ये चॉप नहीं है, कुटा हुआ है। कुटी हुई अदरक ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ें हमने कूटी हैं, चॉप नहीं की हैं। इससे भुजिया का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। हरी मिर्च शामिल कर देंगे। साथ ही कुछ ये साबुत मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अच्छे से सोते करेंगे इन सबको। तमाम चीज़ें अच्छे से सोते हो गई हैं। अब हम इसमें बॉईल की हुई सरसों शामिल कर देंगे। सरसों हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसमें हसबे जायका नमक और हसबे जायका ही कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। एक बार फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। सरसों हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसे कवर करके थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाए। सरसों की मज़ेदार सी भुजिया हमारी तैयार है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। सरसों की भुजिया ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है।
इसमें पानी भी नहीं है, ड्राई हो गई है। अब हम डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमारे सरसों की भुजिया की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है। जितनी अच्छी देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इजी है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ है, लो बजट। ट्राई कीजिए और विंटर सीजन में इंजॉय कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कमेंट्स दीजिएगा, अपना फीडबैक देते रहिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़, नए नए वीलॉग्स और नई नई रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।